न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। रेल यात्रियों को डंडा मारकर एवं पत्थरबाजी कर मोबाइल और पर्स लूटने वाले 6 अभियुक्तों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। 14 मोबाइल सेट बरामद, सीओ जीआरपी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 12 दिनों से बंद है ऑटोमेटिक वाटर वेंडिंग मशीनें। कर्मचारियों ने कार्यदायी संस्था पर लगाया वेतन बाधित करने का आरोप। CPRO ने कहा, जल्द कर लिया जाएगा समस्या का समाधान। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। AD राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में नवनिर्मित कॉमन रूम एवं कंप्यूटर हॉल का राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने किया लोकार्पण। दिए DIS को स्कूल में कंप्यूटर लगवाने के निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत सप्ताह कार्यक्रमों की श्रृंखला के विशिष्ट व्याख्यान में मुख्य वक्ता प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने कहा, बुनियादी परिवर्तन के दौर से गुजर रही भारत की विदेश और रक्षा नीति आज हमारे लिए पाकिस्तान नहीं चीन है स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। दीपावली और छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से SSP ने कोतवाली थाना क्षेत्र में किया पैदल गश्त। लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। कहा, आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक मनाए त्यौहार। गोरखपुर विश्वविद्यालय और गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक के बीच हुआ करार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोगी की भूमिका में रहेगा गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय का ब्लड बैंक। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने चलाया 18 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। CPRO ने कहा, दिल्ली बिहार मुंबई व चंडीगढ़ के यात्रियों की यात्रा होगी सरल व सुगम। उद्यम समागम सह एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी का हुआ समापन। उद्यमियों को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र तथा MSME विकास संस्थान द्वारा किया गया पुरस्कृत। और गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 18 अक्टूबर से 3 दिवसीय इंडिया पोल्ट्री एक्सपो का होगा आयोजन। पीपुल फॉर पोल्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज शुक्ला ने दी जानकारी।